उन्नाव में हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री और प्रभारी विमल द्विवेदी के नेतृत्व में दीपावली के दिन एक दिया शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विगत वर्षों में शहीद हुए सैनिकों के घर जाकर मंच के पदाधिकारियों ने उनके चित्रों और स्मारकों पर घी के दीपक जलाकर उन्हें नमन किया। इस दौरान हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी विमल द्विवेदी ने बताया कि दीपावली के अवसर पर एक दिया शहीद के नाम कार्यक्रम में गत वर्ष पुलवामा हमले में शहीद हुए अजीत कुमार और नक्सली हमले में शहीद हुए शशिकांत तिवारी समेत शहीद सुशील कुमार गौतम के घर और उनके स्मारकों पर जाकर उनके चित्रों पर दीपक जलाकर नमन किया। साथ ही शहीदों के परिजनों को उपहार भेंट कर उनका कुशल क्षेम जाना और दीपावली की खुशियां साझा की। इस दौरान शहीद के बेटे देवांश ने कहा कि उनके पिता की शहादत के दौरान जनप्रतिनिधियों और सरकार की तरफ से कई वादे किए गए थे, लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बावजूद अभी तक कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। वहीं विमल द्विवेदी ने कहा कि सरकार और समाज को शहीदों और महापुरुषों के परिजनों की चिंता करनी चाहिए। हम सबका दायित्व है कि हम सब उनके सुख और दुख में साथ खड़े हों। वादे जनप्रतिनिधियों के द्वारा किया गया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसमें कि एक पापा का शहीद स्मारक था, शहीद द्वार था और भूमिहीन होने की वजह से पट्टा के लिए मांग भी की गई थी, उसके लिए भी आगे केस हुआ था, लेकिन अभी तक 2 वर्ष बीत गए हैं, अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और ये मेन रोड भी बनने के लिए था कि मेन रोड का भी सुंदरीकरण किया जाएगा, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। मैं यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी ये सारे वादे पूरे किए जाएँ, जिससे हम सबको भी थोड़ा सा आगे श्रद्धांजलि देने में या उनको। आज एक दिया शहीद के नाम के क्रम में दीपावली के पावन पर्व पर हम लोग शशिकांत तिवारी जी के व गत वर्षों में शहीद हुए शहीद के परिजनों के घर जाकर उनके चित्रों पर उनके स्मारकों पर दीपक जलाकर उनको नमन किया है और परिजनों को से कुशल क्षेम जानी है, उपहार भेंट किए हैं। और हम सब के साथ साथ सरकार और समाज की जिम्मेदारी बनती है कि शहीद के परिजनों की चिंता करें, शहीदों के व महापुरुषों के बारे में चिंता करें, उनके स्मारकों व उनके परिवार की ज़रूरतों को पूरा करें। जिस तरह से लगातार हिंदू जागरण मंच ये मांग करता आ रहा है कि शशिकांत तिवारी के परिजनों को भूमिहीन है, क्योंकि उनके परिजनों पर कोई ज़मीनें नहीं हैं, इसके लिए पट्टे की मांग की गई थी। डीएम को भी ज्ञापन दिया गया था व SDM हसनगंज से भी ये मांग की गई थी। लगातार स्मारक बनने की मांग यहाँ के सदर विधायक व जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन से लगातार ये मांग करता आ रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों से अभी तक ये पूर्ण नहीं हुआ है। मैं परिजनों को एक भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हिंदू जागरण मंच तब तक उनकी लड़ाई लड़ेगा जब तक उनका ये कार्य पूर्ण नहीं हो जाता है। और हमारे साथ उनके पुत्र देवांश जी हैं, भाभी जी हैं, बेटी है। मैं इनसे भी ये चाहूँगा कि जो भी उनकी अपनी समस्याएं हैं वो अपनी समस्याओं से हिंदू जागरण मंच और सरकार और समाज और प्रशासन को अवगत कराएं। जिस तरह से हम लोग लगातार उनकी मांगों को पूरा कराने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।